ऑलराइट, वो घड़ी आ गई जी हाँ, माइक भी आ गया। काले शर्ट वाले बाबा की जय हो। गुड इवनिंग। सो रॉक ऑन द फर्स्ट पार्ट, ब्रिलियंट, बहुत बड़ा सक्सेस। रॉक ऑन टू कैसे कंटिन्यू हो रही है, मतलब यू नो सीक्वल इज ऑलवेज लाइक अ चैलेंज, तो ये चैलेंज आप लोगों ने कैसे मतलब इसको रूप दिया है? आई थिंक उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी एंड यू हैव टू टेल अस वेदर वी मेट विद दैट एक्सपेक्टेशन। बट एक सीक्वल है ऑफ अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर अस विच वन अ नेशनल अवार्ड, सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। बट वी ऑल्सो स्टेड ट्रू टू द फिल्म। द कैरेक्टर्स इन द फिल्म हैव एज्ड 8 years। वो 2008 था, दिस इज 2016। इनको देख के नहीं लगता है, ही इज ग्रोइंग यंगर बाय द डे। आई सेड कैरेक्टर्स, ओके, हां, सो द कैरेक्टर्स एंड इट्स अ इमोशनल ड्रामा। I don't want to say much about it, but you can see the trailer and then see the film. Right, Farhan, music has been the USP of a movie like that. Sare characters music se hi jude hue hain. Bilkul sahi baat. Ha, to fir ye second part ke liye out of hoga, because first wale ko live up karna to. Hamara ek cheez hoti hai to live up to the first one. Second, ye bhi ek zaruri cheez hai ki jo film ab ban rahi hai wo ek cohesive story ho. Ji. Usme jo substance ho wo bhi utna hi अच्छा हो, सेंसिबल हो, उसमें उतने ही इमोशंस हो जैसे पहले वाले में थे, उतना ही ड्रामा हो जितने पहले वाले में था। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक बात एक्चुअली कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूँ और वो रॉक ऑन वन के बारे में बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को फिल्मों का म्यूज़िक याद है, तो दे रिमेंबर द सॉन्ग्स विच हैप्पी सॉन्ग्स फॉर मोस्ट ऑफ इट, वेरी गुड, करेक्ट। तो सारे वो उन्हें याद है, वो भूल जाते हैं कभी कभी कि उस फिल्म में काफ़ी सारा ड्रामा भी था, बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत इमोशनल लेयर्स थे सारे कैरेक्टर्स के, सब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में टू इवेंचुअली कम टू अ हैप्पी प्लेस। तो वी ट्राइड टू रिपीट ऑन सम लेवल द सिमिलर एक्सपीरियंस। ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि कहानी नहीं हो, क्योंकि अगर हम वही फिल्म बनाएं तो आप वही फिल्म देख लीजिए, फिर दोबारा इतने काम करने की जरूरत है क्या? तो वी मेड अ न्यू फिल्म विद द सेम कैरेक्टर्स, बट होपफुली वी ट्राइड टू अचीव द सेम इमोशनल डेप्थ एंड द सेम लेयर्स लाइक वी हैड इन द फर्स्ट वन। Getting a feeling Farhan's character in 8 years has made some money also, so ekdam he's looking like rich and all and ekdam dapper in the movie. But we want to show the trailer, we all want to see it, and we're like bahut zor se chahiye humko trailer, abhi aap launch kar dijiye ise, inko bade zor ki trailer aaye. Should we? Please. Yeah. Sir, thoda sa piche lagao bhai, mic ko camera dada ko issue hoga, unhi chahiye apne ko, aur piche उसके पीछे समंदर है, इतना ही होगा, ओके, बहुत बढ़िया। कैन आई, सो डिड यू गाइस एंजॉय दैट? आई एंजॉयड दैट अ लॉट, आई एंजॉयड, मैं कब से गाने प्ले कर रहा हूँ शो पे, एंड इट्स बीन रियली रियली कूल। बहुत लोगों का वो कॉलर ट्यून वगैरह वो यू नो लोग बना लेते हैं ना इसे, तो वो भी करना शुरू कर दिया है। आई बिलीव वी आर रेडी टू गो, सो कैन आई प्लीज कॉल द टीम ऑफ रॉक ऑन टू बैक ऑन स्टेज। Shraddha, Farhan, Ritesh sir, Prachi is also with us. Big round of applause. She and her pretty smile have just entered the stage. Purab is here. Shashank is also here. Shashank, big shout out to Shashank. What's up? There they are. Hello. ये हमेशा हर जो भी ऐसे Q&A session होता है ना, उसके पहले थोड़ा सा ये playing the chairs होता है, थोड़ा सा कि आप यहाँ बैठ जाओगे तो वहाँ बैठ जाएंगे। ओके, सो वी आर गुड टू गो, वी आर गोना बी थ्रोइंग सम क्वेश्चंस टू द मीडिया। जिनको पूछना है हाथ ऊपर करें और माइक आप तक पहुँच जाएगा। इट्स अ मैजिकल माइक, इट ट्रैवल्स लाइक इन टाइम एंड स्टफ, सो दैट हैपन्स। All right, should we begin? Kaun jayega pehle? Should I go first? Okay, there she is. The lady is there. Hello, ma'am. Hello. Yeah. Yaar, pehle to sach sach bataiye, trailer kaisa laga aapko? Bahut khoobsurat. Thank you. I like you very much. Aap log Abhishek Kapoor ko kitna miss kar rahe hain? Aap hai kahan se? Ji, yahan hu. Ah, hello. Yeah. Yeah, it's थोड़ा first में अभिषेक कपूर भी आपके साथ थे, तो आप लोग कितना मिस कर रहे हैं उन्हें? Well, मतलब हर फिल्म की और हर इंसान की अपनी जर्नी होती है लाइफ में जी, तो वो हमारे दोस्त हैं, तो ऑफकोर्स मिस तो करेंगे ही उन्हें।
मगर अभी कुछ सिचुएशन ऐसा था कि ये फिल्म बनाने के लिए हमें एक दूसरे डायरेक्टर जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपने उनका काम आज देखा है स्क्रीन पर, शुजात, जो अनफॉर्चुनेटली आज शाम हमारे साथ यहाँ आ नहीं सकते थे, उन्हें कुछ काम था, फिल्म को लेकर ही वो बिजी हैं. तो इस वक्त लेट्स सेलिब्रेट हिज वर्क, आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. ही हैज वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस फिल्म, सो वी शुड डिस्कस शुजात ऑन दिस फिल्म टुनाइट. I couldn't hear what you said. अर्जुन रामपाल भी नहीं नजर आ रहे. जी आप लोग ने मुझे कुछ लॉस्ट एंड फाउंड का काउंटर समझ लिया है. Anyone else is missing that photo? Ask me about. दाहा बाजुन सा मुलगा लास्ट नहीं. अर्जुन is in Lisbon. There is some issue that is there in his family vis-a-vis somebody's health. So he has taken them to Lisbon for treatment. So he'll be back, I think, in another couple of days, and then he'll be joining us. Hi, my name is Arundhati. I'm from INS. Well, my question is, you know, pehla jo film tha, Rock On, that was about those guys who made magic, right? Created magic. Here it seems, trailer dekhe lag raha hai, it's more about how magic is returning, to the journey. So I want to know how it has transformed from the journey of these guys to the journey of magic. I want to know that. Okay, firstly, I think your perception of what this film is about, I think, is pretty accurate, which I'm very glad to. So if you want to join our PR and marketing team, you can contact those people right over there. But it is an ongoing story. Ye jo kahani hai, wo jahan 8 saal pehle humne chhodi thi, 8 saal ke baad hi humne we picked up the threads. तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं दे मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ. और हर जो बैंड होता है या जो म्यूजिशियंस होते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो एक साथ रोज़ नहीं खेलते हैं या दे आर नॉट परफॉर्मिंग और क्रिएटिंग न्यू म्यूजिक दैट दे नीड सम इंस्पिरेशन टू कम इनटू देयर लाइव्स टू रीडिस्कवर दैट पैशन फॉर म्यूजिक एंड दैट लव फॉर व्हाट दे हैड एंड दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ दीज टू वेरी वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियंस इन द फिल्म प्लेड बाई श्रद्धा एंड प्लेड बाई शशांक एंड दैट रियली इज As you saw, there are many other layers as well. इनका कुछ पर्सनल आपने देखा, फादर के साथ चल रहा है, हमारा भी कुछ एक विलेज में कुछ चल रहा है, आग वाग लगी हुई है, तो सारे बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. ये कंप्लेन करते रहता है कि म्यूज़िक के लिए दोस्तों के पास कभी वक्त होता है नहीं. अर्जुन अपने लाइफ में बिजी है, रियलिटी शो जज कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं. तो किस तरह से वो एक बार फिर उन्हें ये एहसास होता है कि म्यूज़िक जो है वही एक चीज़ है जो इनकी दोस्ती को, इनके प्यार को, इनके रिश्ते को बरकरार रख सकती है, तो इसी तरह से एक थिंग है. मगर जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलता है वो इन नए टैलेंट के जरिए उन्हें मिलता है. हेलो श्रद्धा, दिस इज फॉर यू. यू आर द फर्स्ट एक्ट्रेस एज परफॉर्मिंग अ लाइव कॉन्सर्ट बाय विद बैंड, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय एवरीवन, एंड होप यू गाइस एंजॉयड आवर लिटिल परफॉर्मेंस फॉर यू ऑल. आई हैड अ blast on stage the first time that I went. It was in Mumbai only, and it was a lot of fun. A lot of people say that a lot of musicians who I've spoken to say there's nothing like performing live on stage, and I think you only truly know what it feels like when you are doing it, jab aap khud perform kar rahe ho. So definitely अभी ये जो सिंगिंग का एस्पेक्ट है एक्सप्लोर कर रही हूँ, एंड बहुत मज़ा आ रहा है उसको एक्सप्लोर करते हुए. एंड बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट थ्रू रॉक ऑन टू रितेश एंड फरहान हैव गिवन मी, एंड शुजात हमारे डायरेक्टर जो है दे उन्हें लगा कि मैं परफेक्ट फिट थी एज जिया शर्मा. तो आई फील लाइक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी. बहुत रेयरली एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है वे आप एक म्यूजिकल में खुद अपने गाने गाए, तो आई फील रियली रियली फॉर्चुनेट. हाय श्रद्धा एंड शशांक, सो द ऑडियंस ऑलरेडी हैड एन इमेज ऑफ मैजिक इन देयर माइंड्स, सो यू टू बीइंग द न्यू मेंबर्स ऑफ मैजिक, हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू एंड हाउ इंटरेस्टिंग वाज इट फॉर यू टू बी द न्यू वॉइस एंड द फेस ऑफ द न्यू मैजिक? हाय, it was very challenging. I think every part is challenging, and especially with a film like Rock On, which already has so much love from people,
as an actor, you have a lot of pressure, but you go in there and you try to have fun. And I'm very blessed to be a part of this project. And everyone here has welcomed me like a family. And it's been a beautiful experience. It was tough. It's been a tough film to make for me as well. And I put, you know, tried to put my effort into it, but it's a dream. So dekhte hain, hopefully people will think it lives up to all these expectations. I don't know. I did my job and I hope I did it well enough. Farhan, aapke samne. Definitely jo Shashank ne kaha, absolutely true. Challenging, I think ki ek privilege hai actually ki magic mein hame hissa mila. We got to be band members in magic. Definitely it's a dream come true in many, many, many ways because jab pehli Rock On aayi thi, to I remember ki wo, that was one of my all-time favorite films and still is. And अगर उसका सीक्वल बन रहा था तो आई कॉन्ट इमेजिन कि कितने लोग ये ड्रीम दे वुड बी ड्रीमिंग दैट यू नो कि वी विश वी वर इन रॉक ऑन टू एंड आई थिंक दैट मैं और शशांक वी आर इन रॉक ऑन टू सो इट इज़ डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस या हाय श्रद्धा मैम अनुज्ञा न्यूज़ ऑनलाइन से हाय मैम आपने आगे भी बहुत गाने गाए हैं फिल्मों में रॉक सॉन्ग गाना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था डेफिनेटली आई फील एक्चुअली टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म हैज़ बिन वेरी चैलेंजिंग लेकिन बहुत ही स्पेशल भी रहा है ये जर्नी आई फील जो पहले गलियां हो या बेजुबा फिर से हो डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू जॉनरा एंड ट्रेनिंग ली मैंने फ्रॉम समांथा एडवर्ड्स जो एक बहुत ही बेहतरीन वोकल टीचर है पर आई फील आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रॉक म्यूज़िक तो मैं बहुत खुश थी कि आई गेट टू सिंग माई ओन सॉन्ग्स इन रॉक ऑन टू उम्मीद है कि ये भी फिल्म को उतना प्यार मिलेगा जितना रॉक ऑन टू के म्यूज़िक को मिला के फिल्म को मिला रॉक ऑन के फिल्म को फर्स्ट के ऊपर एक एंथम सॉन्ग स्पेशल रखा गया है उसकी खास वजह फरान सर सर मुंबई के बेस्ड एक स्पेशल एंथम सॉन्ग आपने रखा है फिल्म में मुंबई पर बेस्ड हाँ जागो हाँ नहीं और वो मुंबई पे बेस्ड नहीं है वो मुंबई में मतलब फिल्म किया है हमने लेकिन वो विमेन्स राइट्स के बारे में है एंड इट्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर विमेन स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स एंड क्रिएटिंग एन इक्वल वर्ल्ड ऑल्सो फॉर देमसेल्व्स सो दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट ओके फरान आपके लेफ्ट में लेफ्ट में आपके ऊपर सामने फरहान आपसे सवाल है फरहान जिस तरह से सुनिए फरहान जिस तरह से रॉक ऑन की सफलता हुई थी और उस लेवल पे गई थी उस समय के जो युवा दर्शक थे वो उस फिल्म को काफ़ी पसंद किए तो जो आज का माहौल बदला है और इस फिल्म को लेकर और उस फिल्म को टैली करते हैं तो किस लेवल पे देखते हैं इस फिल्म को यार ये मैं आपको कैसे बताऊँ ये बहुत मुश्किल होगा हमारी तरफ से मतलब कोशिश तो पूरी रही है कि हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं एक एंगेजिंग फिल्म बनाएं एक फिल्म ऐसी बनाएं जहां आप जाएंगे आपको मज़ा भी आएगा और कुछ ड्रामा भी होगा उसमें तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने अटेम्प्ट तो की हैं अब किस तरह से लोग इसे पसंद करेंगे क्या क्या होगा ये तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद आप ही मुझे बताइए इंटेंशन जो है वो बिल्कुल मतलब यही है कि हम आपको उसी तरह का एक एक्सपीरियंस दोबारा दें but now you tell me after you see the film how you feel prachi apne kirdaar ke bare mein kuch bataye hi mere kirdaar ke bare mein mera naam abhi bhi sakshi hi hai I think sakshi even after 8 years just looks younger now okay I'm joking साक्षी आई थिंक मेरे लिए मेरा डेब्यू था इस फिल्म से सो बहुत ही स्पेशल रोल है इट्स अमेजिंग बिकॉज पीपल स्टिल रिमेंबर मी फॉर दैट एंड कमिंग बैक टू दिस टीम आई जस्ट थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस टू रिमेंबर फॉर एवर इस बार आई थिंक हम सबके लिए चेंज ये था कि ये जो कैरेक्टर्स हैं हर एक अपनी लाइफ में बहुत इवॉल्व हो चुके हैं और अगर हम पर्सनली देखें So we've really come a long way in life as well, even personally. So I think all of that kind of really translated well into the roles. And my character, I think you remember her as a South Bombay girl who was
आई थिंक इन अ यू नो काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद हर हस्बैंड, क्योंकि वो ये ढूंढना चाह रही थी कि उसकी अनहैप्पीनेस का रीज़न क्या है. एंड देन आई थिंक यू नो ऑल ऑफ मैजिक हैपेंड अगेन एंड दे रीयूनाइटेड. इस बार आई थिंक हर एक किरदार एक इंटरनल बैटल फाइट कर रहा है. सो साक्षी हैज़ डेफिनेटली कम आउट स्ट्रॉन्गर. आई लव द न्यू लुक दे हैव गिवन मी. And yeah, you're gonna, when you watch the film, you'll see a much more stronger character. Farhan, Prabhat from Channel One. Farhan, ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब real life में भी आप creative person हैं, real life में भी हैं. 15 साल पहले आपने दिल चाहता है बनाई थी, तो as a creative person सबसे बड़ा sacrifice क्या किया आपने और सबसे बड़ा reward क्या मिला आपको पिछले 15 सालों में? एक्चुअली मैं सच कहूँगा, जब आप कोई भी चीज़ करें जो आपको पसंद है, कोई भी चीज़ करें जिसमें आपका दिल बिल्कुल है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, तो उसमें आप कभी सैक्रिफाइस के बारे में सोचते हैं नहीं. वो चीज़ें मतलब इतनी ज़रूरी होती हैं या इतना आपको एक खुशी मिलती है उन्हें करने में कि आप ये नहीं सोचते कि मैं मतलब कुछ भी इसके लिए त्याग रहा हूँ. तो वो तो कभी नहीं हुआ है. और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला है शायद वो यही है कि जो ऑडियंस से सपोर्ट मिला है और प्यार मिला है, वो ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. क्योंकि हम उन्हीं के लिए फिल्में बनाते हैं, तो अगर वो पिछले 15 सालों से हमारी फिल्में देख रहे हैं, हमारा काम उन्हें पसंद आ रहा है, तो एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर. सो आई थिंक दैट्स रियली द ओनली रिवॉर्ड दैट देयर इज. हाय फरहान, आई एम शिव. आई वुड लाइक, प्लीज टेक हिम आल्सो इन द पीआर एंड मार्केटिंग टीम. योर लास्ट डायरेक्टोरियल मूवी वाज इन 2011 डॉन 2. व्हेन एग्जैक्टली योर ऑडियंस कैन सी यू एज अ डायरेक्टर बैक एनी टाइम सून? Yeah, you know, I get very scared to say any time frame or anything because then it becomes a sword hanging over my head. So I don't have an answer for you right now, to be honest. Is it something that I will do again? Yes, I will. It's because it is something that gives me immense joy to do. But there will be a time for it when I'll feel completely pepped up to go ahead and do it again. But I can't say to you that I know for a fact when that's going to happen. So it's better that I say nothing at all on that front then. Shraddha, I have a similar question for you on your right. Shraddha on your right. Yeah. Hello. So you act well, you sing well, you dance well. So what next are you going to discover? So sweet you are. Thank you. What next? La 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 la. Anything else you want to discover? I want to, I mean, you know, honestly, I've been going with the flow. And I just feel like everything that I used to do when I was a kid, like I was like 4, 5, 6 years old, I used to main mirror ke samne dance karti thi, tede mede faces banati thi. Agar main abhi banaungi to aap faint ho jaoge. Then it was an obsession at that point, and so it's a childhood dream that has come true, that I'm singing and I'm acting and I'm being a part of films. So yeah, I just I feel very blessed ki mujhe achhi filmein mil rahi hain to play such lovely characters, and I just hope that that continues. That's all. Yeah. Second question is to Ritesh. Ritesh, you gave us an opportunity to see them live singing, shouting. So are you gonna go for city tour also promoting the movie, because 11th is like too near? Yeah, of course. I mean, we will go to city tours and promote the movie. We have a lineup of certain cities where they'll be performing live, and it'll go on like how we go do it usually. Are you gonna go out of your way, because like Suraj have been already pressurized because it's been already a franchise movie? I mean, I don't know what is out of the way. I think you need to create a certain eagerness for your film, and I think we are managing to do that. The music is growing, people are enjoying it. So I think a lot of people are writing to us on Facebook and all the on other social platforms that they want to see Adi and Jia come and perform. So that's what we are going to do. But I don't think, there's any thought that you have to, I think like I said earlier, like you do something where you create a kind of a desire and eagerness to watch it. I think on a film like this, which is about a rock band, you need to perform live and give them that experience. Ritesh, slightly towards your left here. Little up. Yeah. Yeah, I see you. Ritesh, from Rock On to, could you tell us in short about your journey as a producer? What were the challenges faced and how did you overcome them? I think
challenges, I mean, there on every film has a different challenge. It has its own sets. But particularly on Rock On, like I said earlier, it is a sequel to a very, very special film. And also, like we've mentioned earlier, that we've stayed true to what it needs to be. So you see the characters have evolved, they've grown. There are different conflicts in it. Each conflict of each character has its own individual payoff. And like the trailer says, you know, that we've given magic as a platform which was created in Rock On 1. Now that platform has been used by a new generation to say something new. So I think we've stayed true. You need to watch the film for knowing more about it. Right. Also, brilliant announcement on Twitter a couple of days back in the form of Gold. What inspired you to sign Akshay Kumar for the film? Okay, I think this platform right now is for Rock On. I'm glad you liked it. We'll talk about that film. It's very far away. Akshay Kumar, I mean, if you talk about him, he's a great actor who's doing some amazing work. Farhan and me have never worked with him. And we found an opportunity in this script to get him on because Reema wanted him. And it's happened, so we are looking forward to it. Also, one final question from me, and I hope you will answer this frankly. Happy that roadblocks for Rays have been cleared? Very happy. And will you continue? That was your last question. No, one second. I would like to ask Purab a question. Purab, do you miss that shaggy hairstyle of yours and that little beard? Tell us about it. How have the last 8 years been without it? Terribly. In fact, I missed myself in the trailer also because my hair was not there flying around the place. That's it. Anything else? Farhan? Yeah, Farhan. परहन आपके डायरेक्शन के हम सब कायल हैं इस फिल्म में और इस जो फर्स्ट वाली थी उसमें आपके कितने क्रिएटिव इनपुट्स थे और इंटरफेरेंस था मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी तारीफ कर रही है मेरी मतलब क्या कर क्या रही हैं आप नहीं मैं एक्चुअली एक काम करूं क्योंकि आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है और मैं एक्टिंग करता हूं तो ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है बट आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी ओनली फॉर द एक्टर्स इफ दे इंटरफेयर और दे हैव क्रिएटिव इनपुट्स इन अ फिल्म और डू दे जस्ट कम एंड दे एक्ट विदाउट एनी सजेशंस और एनीथिंग प्लीज आंसर स्टार्ट विद यू मुझे क्यों ऐसे फूलों की बरसात हो रही है यहाँ पे नहीं सो इंटरफेरेंस आई थिंक एन एक्टर डजंट इंटरफेयर यू ट्राई टुगेदर टू वर्क एंड क्रिएट समथिंग टुगेदर तो वो उसे मैं इंटरफेरेंस नहीं कहलाऊंगा अगर आप बोलते हो कि शायद ये ऐसा थोड़ा बेहतर बिल्कुल एक सेकंड जिया कुछ कहना चाहती है तो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं कोलैबोरेशन आई थिंक कोलैबोरेशन इज द राइट वर्क टीम वर्क जो है आई थिंक दैट्स व्हाट हम सब ने किया है थिंक उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता तो इंटरफेरेंस आई डोंट थिंक फरहान जी ने किया होगा प्लीज सर आप बताइए नहीं जैसे जब हम यहाँ आए थे या जब हम आपसे मिलते हैं फोटो लेने के लिए आप कहते हैं पीछे हो जाइए तो वो इंटरफेरेंस थी ना वो कोलैबोरेशन हो गया तो ऐसा ही है तो जब हम लोग काम कर रहे हैं तो कभी डायरेक्टर कहते मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँ तो ऐसे ही होता है तो इट्स द सेम थिंग हेलो हाय श्रद्धा हाय ओवर हियर सेंटर Hi, I'm Shweta from BollywoodNazar.com. I would like to ask you, आपको 6 साल हो गए इंडस्ट्री में आपकी पहली फिल्म 3 पत्ती और अब आप Rock On 2 के साथ वापस दिख रही हैं तो हाउ वुड यू रेट दिस मूवी फ्रॉम योर प्रीवियस मूवीज इट्स लाइक यू आस्किंग मी विच इज माई फेवरेट फिंगर आई कॉन्ट चूज सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम हैंड विच इज़ माई हैंड सो बहुत इतना मुमकिन है हर फिल्म जो है एक्चुअली इतना आप खुद का टाइम देते हो आपका आपके इमोशंस देते हो सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से आप आई कॉन्ट एवर से दैट हर फिल्म जो मैंने की है वो बहुत स्पेशल रही है मेरे लिए इनफैक्ट हर फिल्म मेरे लिए एक डेब्यू की तरह रही है फॉर वेरियस रीजंस हर फिल्म के साथ कुछ अलग करने को मिल रहा है नया करने को मिल रहा है सो डेफिनेटली each film is really 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 special to me wo forever ho jata hai so it's there forever and ever cassettes mein hote the ab dvds mein hai to it live forever so each film is special
Chaliye, thank you very much. Thank you guys very much. All right, guys, thank you so much. That has been a great, great, great interactive session. Rock on 2, driven by Tata Motors, Tata Hexa. Here is the star cast and the people who will be making it a huge success. Yes, photo up, yes. It begins now, the dance. Yeah, the music directors are like, they think Purple is, they'll reach in like minimum rickshaw bhada, no? Like, they're going, where are they? I'm saying Shankar, who hasn't missed it? Shankar sir. All right. Oi, 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 oi.